आज गुजरात में जो कोविड 2019 की परिस्थिति है इस प्रकार से है, टोटल आज के केस 14 हैं। आज एक दुखद अवसान सूरत में एक महिला का भी हुआ है और वो कल ही आई थी हॉस्पिटल में, फिर और इस परिस्थिति में आई थी कि फिर उनका बचना लगभग असंभव था। और लेकिन पॉजिटिव बात आज ये है कि चार ऐसे हमारे कोविड के पॉजिटिव पेशेंट्स हैं जो डिस्चार्ज होके अच्छे होके वापस घर लौट रहे हैं। तो आज का जो डेटा है इसमें से इसका टोटल करते हुए टोटल अब गुजरात में 122 पॉजिटिव केसेस बन जाते हैं। इसके अगर हम ब्रेकअप देखें तो अहमदाबाद में 53, सूरत में 15, राजकोट में 10, वडोदरा में भी 10, गांधीनगर में 13, भावनगर 11, कच्छ 1, महसाणा 1, गिर सोमनाथ में 2, पोरबंदर में 3, पंचमहाल 1, पाटन 1 और छोटा उदयपुर 1, ऐसे करके 122 टोटल पॉजिटिव केसेस अब तक गुजरात में हुए हैं। और इसमें से अगर ब्रेकअप देखा जाए तो 33 ऐसे लोग हैं जो हमारे यहाँ विदेश से आए थे, हालांकि लगभग उन सबके केस में अब क्वारंटीन का पीरियड पूरा होने आया है क्योंकि 22 तारीख लास्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स थी। और उसके अलावा आंतर राज्य इंटर स्टेट ट्रैवल करके जो आए हैं वैसे 17 केसेस हैं, और जो लोकल ट्रांसमिशन वाले हैं वो भी 72 जितने हैं। और आज जैसे हम आप जानते हैं हमारा कॉल सेंटर नंबर 104 है, जिस पर कोई भी प्रकार की गंभीर बीमारी हो, किसी को कुछ भी प्रश्न हो, तकलीफ हो, आप बिल्कुल कोई भी संकोच बगैर बिल्कुल आप उस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं ताकि मेडिकल हेल्प भी दे सकें। फिर से हम ये बात दोहराना चाहेंगे कि अगर ज़्यादा बुखार है और अगर 2 दिन से ज़्यादा टाइम हो गया है तो बिल्कुल इसको इग्नोर न करें आप। अगर खास बुखार के साथ ब्रेथलेसनेस यानी कि श्वास लेने में अगर तकलीफ है तो ये कॉम्बिनेशन के लोगों को भी तुरंत ही, जिसे हम फिर मेडिकल टर्म्स में सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की भी एक बीमारी की तरह ये प्रेजेंट हो सकती है, ऐसे जितने भी केसेस हैं आपको इमीडिएटली डॉक्टर का संपर्क करना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप जाने अजाने ऐसे कोविड के जो ट्रैवल करके दूसरे देशों से आए हैं या फिर दूसरे राज्यों से आए हैं या लोकल संक्रमण के भी जो पॉजिटिव कांटेक्ट में आए हैं, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप आए हों, इसीलिए इसको रूल आउट करने के लिए डॉक्टर के पास तुरंत हाई फीवर और ब्रेथलेसनेस हो तो बिल्कुल आपको कॉन्टैक्ट करके जाना चाहिए। अगर ये आप इग्नोर करेंगे, इसको दुर्लक्ष करेंगे तो फिर 5-6 दिन के बाद, जैसे आज सवेरे इस महिला के साथ हुआ है, कि अगर 8-9 दिन हो जाते हैं तो फिर बचाना नामुमकिन सा हो जाता है। तो हमारी सबसे आदेश भी है, अनुरोध है कि ऐसे चिन्ह हो तो इसे इग्नोर न करें।